ट्रेडमिल टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में आपने जरूर सुना है। मैं आज आपको बताऊंगा ये ट्रेडमिल टेस्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों करवाते हैं इस टेस्ट को। देखिए ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब क्या है, आपने सुना है ट्रेडमिल मशीन जो जिम्स में लगे होते हैं जिसमें पैदल चलना होता है। तो हार्ट के पेशेंट का हमको ECG लेना है जबकि वो पैदल चलेगा, तो ऐसा किया जा सकता है कि भाई ये आदमी ECG मशीन ले ले, पेशेंट को चलाते रहे और साथ साथ ECG मशीन लेके चले, तो ये तो संभव नहीं है। तो क्या किया जा सकता है, ना ट्रेडमिल में खड़े कर दो और वो मशीन को ऑन कर दो, पेशेंट को चलते रहना पड़ेगा और मशीन स्टेडी रही और मशीन से ECG लगा दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर में से जो मशीन का जो लीड्स है उसको हमने चेस्ट में लगा दिया और पेशेंट को खड़ा कर दिया ट्रेडमिल मशीन में और धीरे धीरे उसके चलने की स्पीड बढ़ा दिया। ये है ट्रेडमिल मशीन। क्या चेक कर रहे हैं इसमें हम लोग, चेक ये कर रहे हैं कि हार्ट को जब स्पीड बढ़ाया जाए तो उसको ऑक्सीजन में शॉर्टेज है या नहीं है। आदमी बोलता है सर ऑक्सीजन की शॉर्टेज कैसे पता चलेगा, अगर मैंने आपको ECG के बारे में बताया था, ECG में हम लोग जब ECG देखते हैं डॉक्टर्स लोग, तो उसमें एक होता है ST सेगमेंट, जैसे ही हार्ट को ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगा ST सेगमेंट नीचे उतरना चालू हो जाता है, तो हम लोग वो देखते हैं, ECG चलती रहती है और उस पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आपका जब भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी तो ST सेगमेंट नीचे आएगी, तो हम चेक कर जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि इसका है प्रॉब्लम। तो ट्रेडमिल मशीन में हम लोग क्या करते हैं, ECG देखते रहते हैं डॉक्टर या टेक्नीशियन जो भी इंचार्ज है, और पेशेंट की चलने की स्पीड बढ़ाते हैं, पहले बहुत स्लो चलाते हैं 3 मिनट, फिर थोड़ा स्पीड में चलाते हैं 3 मिनट, फिर और स्पीड बढ़ाते हैं। क्या एम है कि हार्ट की स्पीड बढ़े। एक नॉर्मल आदमी जब खड़ा होता है मशीन में तो मान लेते हैं उसकी स्पीड है 70, तो जैसे ही वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो हार्ट की स्पीड बढ़ के 80 होती है, फिर 90 होती है, फिर 100 होती है, 110 होती है, 120 होती है, 130 होती है। तो कहाँ तक लेके जाना है, याद रखिएगा ट्रेडमिल में एक हम लोग बोलते हैं टारगेट, कितना हमारा टारगेट होता है, टारगेट को हम लोग बोलते हैं 220 माइनस एज, मतलब 40 साल अगर उम्र है कोई का तो 220 से 40 निकाल दिए 180 तक लेके जाना है, कोई 50 साल का है तो 220 से 50 निकाल दीजिए 170 हार्ट रेट लेके जाना है। तो आदमी का हार्ट रेट 70 है, ट्रेडमिल में खड़ा किया, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई, बढ़ा बढ़ा के हार्ट की स्पीड बढ़ती गई, ECG लेते गए और ECG में देखा ऑक्सीजन की कमी हो रही है नहीं हो रही है, जहां ST सेगमेंट नीचे उतरने लगा तो मशीन को रोक दिया जाता, बोला आपके ट्रेडमिल पॉजिटिव है, आपको हार्ट के पास पूरा ऑक्सीजन नहीं है। कितना ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को, कितना ब्लड चाहिए हार्ट को, हार्ट की जरूरत है 10% ब्लड सप्लाई, 100 की सप्लाई है ट्यूब में, हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर 100 की सप्लाई है, हार्ट की जरूरत है 10%, 20%, 30%, 3 स्टेज में। पहला जब आदमी खड़ा रहे तो उसको 10% चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाए तो उसको 20% चाहिए और दौड़ने लगे तो 30% चाहिए। तो ट्रेडमिल में ये तो करवा रहे हैं हम लोग कि उसके पास 10% है कि नहीं, 20% है कि नहीं, 30% है कि नहीं, और अगर वो आदमी दौड़ने लगे और ECG में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या, 30% ब्लड सप्लाई है उसको, दौड़ने में भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं हो रही है हार्ट को, ECG में कोई चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब है उसकी ब्लॉकेज 70 से कम है। अगर ECG में चेंज आ जाए एकदम दौड़ते वक्त तो इसका मतलब है 70 से ज्यादा है, और चलने में ही दिक्कत आ जाए तो 80 से ज्यादा है, और अगर खड़े खड़े में थोड़ा सा चला और चालू हो गई तो 90 के आसपास है। तो ट्रेडमिल से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आदमी के हार्ट का कितना शॉर्टेज है ब्लड की, अगर चलने में पहला 1-2 मिनट में गड़बड़ आ जाए तो समझ जाइए फिर ब्लॉकेज 90 के आसपास है, थोड़ा 3-4 मिनट चल ले तो ब्लॉकेज 60-70-80 के आसपास होगा, और दौड़ने में कमी आए तो 70 के आसपास होगा, और दौड़ के क्लियर कर जाए कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है, और टारगेट पहुंच गया 220 माइनस हार्ट रेट तक, हार्ट की स्पीड ले गए और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसका मतलब 30% हार्ट को जितनी जरूरत है उसके पास है। तो ये ट्रेडमिल का मतलब आप समझ लीजिएगा, ट्रेडमिल अगर पॉजिटिव है, TMT टेस्ट पॉजिटिव, मतलब है कि ऑक्सीजन पूरा नहीं है, चलने में या दौड़ने में ECG में चेंज आ गई, डॉक्टर ने मशीन को रोक दिया और लिख दिया हार्ट की बीमारी है, और अगर ट्रेडमिल नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या, उसने दौड़ा दिया और कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो TMT नेगेटिव। TMT नेगेटिव का मतलब क्या, कि आप ठीक हो, ठीक का मतलब नहीं है जीरो ब्लॉकेज हो, इसका मतलब है 70 से कम कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होगा, हो सकता है 10% भी हो, सकता है 50% भी हो। और ट्रेडमिल पॉजिटिव का मतलब ब्लॉकेज है, ट्रेडमिल से बहुत क्लियरली आदमी नहीं बोल सकता कौन से ट्यूब में कितने ट्यूब में ब्लॉक है, उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट टेस्ट अगर कराना है, ट्रेडमिल अगर पॉजिटिव हो, आदमी बोलता नहीं मुझे ब्लॉकेज पता करना है, तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट बोलते हैं CT एंजियोग्राफी। दो तरह की एंजियोग्राफी, एक तार घुसा के होता है, एक बिना तार घुसाए होता है, मैं बोलता बिना तार घुसाए पता कर लो कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है,
तो अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव है तो आपको सीटी एंजियोग्राफी की तरफ जानी है। अगर एंजियोग्राफी करा लिया तार वाली तो फिर हॉस्पिटल वाले एडमिट करके फिर छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि ट्रेडमिल पॉजिटिव है तो 70-80-90 ब्लॉकेज तो होगी होगी, तो और वो लोग ऑपरेशन के लिए आपको जबरदस्ती करेंगे। तो अगर आपका ट्रेडमिल पॉजिटिव है, मान जाइए कि ब्लॉकेज 70-80-90 के ऊपर होगी कहीं ना कहीं। अब आपको आगे बीमारी को ठीक करना है, ब्लॉकेज को रिवर्स करना है, तो आप हमारे पास आइए। हम सावल में हार्ट के पेशेंट्स को यही तो ट्रीट कराते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ गई है तो उसको कम कर दिया जाए, हार्ट अटैक होने मत दो, और अगर ब्लॉकेज कम हो जाए तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो एनीवे ट्रेडमिल के बारे में आपको मेरे ख्याल से हमने बहुत क्लियरली समझाया है। ट्रेडमिल टेस्ट तब किया जाता है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इनकी ब्लॉकेज है, और 70 से ऊपर होगी तभी जाके ट्रेडमिल में गड़बड़ पता चलेगा। अगर कोई की 10-20-30-40-50 ब्लॉकेज है तो ट्रेडमिल में कुछ भी नहीं आएगा और मरीज सोचेगा मैं ठीक हूँ। तो ट्रेडमिल पूरी टेस्ट नहीं है, आपको सीटी स्कैन इसके बाद कराना पड़ेगा अगर आपको क्लियर व्यू चाहिए तो। तो एनीवे हमारी वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, जरूर इस पे इसको सब्सक्राइब करिए कि आपको हम हर वक्त कुछ नया बात बता पाए। हार्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है हम आपको जो देंगे वो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा, इसको आप जरूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।